मैंने 19 साल पहले जिस मर्सिडीज बेंच को आप बाहर खड़ी देख रहे हैं, 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो, जहाँ शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, 20 मिनट कोई माइका लाला आपसे छीन नहीं सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो कहते थे, सड़े क्या नाई की दुकान बना रखे तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बंबू डाल डाल के आपसे लुआएगी और आप कहोगे अब तो लाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को कह दिया। यह है सेल्स का हथियार, बाहरीकरण। जिंदगी जब जीते ही बाहर की तरफ है तो बनाओ अपना टूल। ये ताकत मिलती है बाहरीकरण से, इसलिए अपने सपने बताने चाहिए और लिखने चाहिए। समझ में आई? समझ में आई? चौंक क्यों रहे हो? चौंकता तो आदमी कभी भी नहीं है, चौंकना नहीं है, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना।